आप सभी का एसडी न्यूज में स्वागत है। आज की बड़ी खबर आइए डालते हैं एक नज़र। वेस्ट बंगाल से दत्ता की रिपोर्टिंग, ममता सीबीआई विवाद में बड़ा खुलासा सामने आया, सीबीआई टीम के कमिश्नर के घर जाने का सच। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। पूरा मामला भाजपा बनाम तृणमूल कांग्रेस, या यूं कहें कि मोदी बनाम ममता हो गया है। मंगलवार को इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सच सामने आ गया है कि आखिर सीबीआई टीम कोलकाता कमिश्नर के घर पर क्यों गई थी। आइए जाने वो सच क्या है। खुलकर सामने आ गई मोदी ममता के बीच रार। सीएम ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच की रार पहली बार खुलकर सामने आ गई है। मुद्दा सीबीआई जरूर है, लेकिन इसी बहाने दोनों दल अपनी ताकत दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। पूरा मामला उस वक्त विवाद बन गया जब सीबीआई की 40 सदस्यीय टीम शारदा चिट फंड केस में पूछताछ करने के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुँची थी, लेकिन टीम को हिरासत में ले लिया गया। विपक्ष हो गया एक, ममता बैठ गयी धरने पर। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुद्दे पर बड़े बड़े सियासी दल एक हो गए हैं। विपक्ष में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या बसपा की मायावती या फिर तेजस्वी यादव से लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल, सबने ममता का साथ देने का वादा किया है। वहीं भाजपा ने इस मुद्दे को सीधा संविधान की उपेक्षा का ही आरोप लगा दिया है। बीजेपी का कहना है कि सीबीआई को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब जाने वो क्या सच है, क्यों सीबीआई टीम गई थी कमिश्नर के घर। सीबीआई टीम कमिश्नर के घर पर क्यों गई थी, ये सबसे बड़ा सवाल सोमवार को लोकसभा में भी उठ गया। टीम उनके घर क्यों गई, इसका खुलासा खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। उन्होंने बताया आखिर क्यों सीबीआई को राजीव कुमार के घर जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि राजीव कुमार को बार बार पूछताछ के लिए समन भेजा जा रहा था, लेकिन न तो वो आ रहे थे न ही केस में किसी तरह का सहयोग कर रहे थे, इसी वजह से टीम को उनके घर पर जाना पड़ा। उनके लिए मोदी मुद्दा है, हमारे लिए जो शहर को है वो गांव को मिलना चाहिए, उस सुविधाओं को ले जाने का हमारा प्रयास।